पिछली बार हमने आपको बताया था कि चित्रकूट जेल में किस तरीके से फिल्मी स्टाइल में शूट आउट हुआ और अंशी दीक्षित ने मुकीम काला और मिराज भाई की हत्या कर दी और पुलिस ने फिर अंशु दीक्षित को मारकर सारे सबूती खत्म कर दिए कुछ बातें कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का ये तरीका कुछ लोगों को पसंद आ सकता है किंतु मानवाधिकार आयोग के अनुसार ये गलत हो रहा है मुझे अच्छी तरह याद है एक बार योगी जी संसद में रोए थे और उन्होंने कहा था कि ये संसद मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता तब तो मुख्तार अंसारी से वो बहुत परेशान बोले बोले डॉल्बी डॉल्बी टेलिप टेलिप गोवर निचों योगी जी आई यू आर वी ऑल रिस्पेक्ट यू मैं केवल आपसे से अनुरोध करने के लिए आया हो क्या मैं सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ और यू? क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा आज वही है समय बदला वही योगी जी हैं वही मुक्तार अंसारी है मुख्तार अंसारी को उन्होंने घुटनों पे ला दिया और वो रहम की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है बांदा जेल में बंद है और ये जो घटना हुई है चित्रकूट जेल में यहां से बांदा जेल की दूरी कोई ज्यादा नहीं है मुश्किल से दो ढाई घंटे का सफर है सत्तर अस्सी किलोमीटर की दूरी है तो आज हम आपको बताते हैं कि अंशु दीक्षित ने ये मर्डर क्यों किया हम शुरू करते हैं मिराज भाई से आखिर ये मिराजुद्दीन उर्फ मिराज भाई कौन था और कैसे इसने जराइम की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे ये एक गैंगस्टर एक दुर्दांत अपराधी बन गया मिराज भाई बनारस में ये जो घटना जुर्म हुए हैं इसके जनक माने जाते हैं बनारस में जुर्म शुरू करने वाला यही व्यक्ति था ये एक छोट फटे से टूटे से स्कूटर पे घुमा करता था एक छोटी सी इसकी खोके में दुकान होती थी और वहाँ से ये व्यक्ति लोगों राजनीतिक और पुलिस के संरक्षण से बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है रायबरेली जेल में जब ये था तो अखिलेश सिंह से हो गया और अखिलेश सिंह ये तो जेल से बाहर आ गया मिराज लेकिन अखिलेश सिंह से ये मिलने प्राय है, जेल जाया करता था वहां इसकी पुलिस से एक बार मुठभेड़ भी हुई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तत्कालीन आईजी जोन के निर्देश पर एसओजी टीम ने इसकी गाड़ियों से अवैध मादक पदार्थों को बरामद भी किया था इसमें से जेल भी हुई थी जब ये रायबरेली जेल से बाहर आया तो उस समय के पूर्वांचल के डॉन रहे मुन्ना बजरंगी जिनके नाम से लोग कांपते थे ये मुन्ना बजरंगी का खासम खास बन गया था और मुन्ना बजरंगी के जितने भी अवैध कारोबार थे लूट डकैती फिर होती सब यही मैनेजमेंट करता था उनका मुन्ना बजरंगी इसे लिस्ट देते थे कि अमुक व्यापारी से इतने पैसे ले लो उस व्यापारी से इतने पैसे ले लो और मुन्ना बजरंगी उनको बासा पा के कुछ नेताओं के संपर्क में भी था और उसे टिकट दिलवा दी मुख्तार अंसारी के लिए काम करती और उसने मुख्तार अंसारी को विधायक भी बनवा दिया अब तो ये इनका काम चल निकला भाषा सोचिए वो सदन में हो मंच पर हो उनकी एक ही भाषा है और भाषा ये है कि ठोक दो तो कभी पुलिस को नहीं समझ में आता है कि उन्हें किसे ठोकना है और कभी जनता को नहीं समझ में आता है कि किसे ठोकना है अब आते हैं हम मुन्ना भी के मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पजीत और पीजे की हत्या इसने लखनऊ में करवा दी अपने शूटर्स से और कुछ समय बाद उसके राइट हैंड तारिक की हत्या भी इसने करवा दी थी अच्छा इसकी दोस्ती तिहाड़ जेल में बबलू खान से हो गई थी तो बबलू खान और ये दोनों मिलकर ही काम किया कर रहे थे उस समय लेकिन इसे मुन्ना बजरंगी से बदला लेना था मुन्ना बजरंगी को उस समय बागपत जेल में शिफ्ट किया गया था झांसी से और उसी जेल की बैरक नंबर एक में उसमें दस सेल थी तो एक नंबर बैरक में तो सुनील राठी हुआ करते थे सुनील राठी भी अपने जमाने में बड़ा सुनील राठी का भी बड़ा दबदबा हुआ करता था भाई तो दस नंबर सेल में मुन्ना बजरंगी थे और एक नंबर सेल में सुनील राठी था जो बहुत ही क्रिमिनल अपराधी थे उनको बिल्कुल लॉक करके रखा जाता था पर सुबह फ्रेश व्रेश होने जाना पर गिनती करने जाना इन सब के लिए उनको निकलने की परमिशन होती थी तो जैसे ही ये निकलता है तो मुन्ना बजरंगी वहाँ है और कहीं ना कहीं इसको सुनील राठी को मुन्ना बजरंगी को मारने के लिए कुछ दस पंद्रह करोड़ रुपए की सुपारी इसको मिली हुई मुन्ना बजरंगी का फोन आ जाए और व्यापारी पैसा ना दे तो उसकी मौत निश्चित ही थी क्योंकि उस समय मिराज भाई ने बहुत सारे शूटर पाल लिए थे वो बहुत शार्प शूटर थे और वो इनके इशारे पे कुछ भी कर सकते थे उनके रहने की खाने की व्यवस्था सब मिराजुद्दीन करता था उनको हवाई जहाज़ से लेके जाना फरारी कटवाना ये सब काम मिराज के थे तो मिराजुद्दीन क्या करता था जब मुन्ना बजरंगी इनको कहते थे कि भाई फलाने से पाँच करोड़ आने या दस करोड़ रुपये आने या दो करोड़ रुपये आने मतलब मुन्ना बजरंगी के साथ कहें तो ये चीटिंग किया करता था अच्छा मुन्ना बजरंगी का साला था पुष्पजीत पीजे और उसका एक और साथी था तारिक इन दोनों ने मिराज की ये सो जो जब बातें थी घोटाले थे इनका पर्दाफाश कर दिया एक दिन मुन्ना बजरंगी के साथ सबूतों के साथ सब भिजवा दूँ दस हजार रूपये कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज पे ठीक है उसके बाद पाँच हजार रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है तो उसको डिप्टी को फोन कर लेना फोन करने के बाद उसको पाँच हजार रूपए दिया जाएगा और अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से शराब और कारतूस पिस्टल है ना सब कुछ आता है यहाँ पे और बिना शुल्क दिए यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है और जो भी आपने देखा दारू या जो भी देखा ये बिना जेल प्रशासन की मिली वकत से नहीं आता है और अभी कुछ दिन से ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों की जो है हत्या की योजना चल रही है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम लोग जो है यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे लगातार जो है हम लोग यहाँ पे जो है पैसे दे रहे हैं वसूल ले रहे हैं अब लेकिन जेल प्रशासन जो है हम लोगों की हत्या की साजिश रच रहा है और हमारे जो साथी हैं साथ जो साथ में रहते हैं एक सोहराब खान सना वसीम और डी एस सिंह जिनका नाम दल सिंगार सिंह है और सना अजय सिंह उनकी भी हत्या की साजिश रची जा रही है और हत्या का तरीका जेल प्रशासन का हमेशा यह रहता है कि जैसे कि अलार्म बजा के जो है हमें पीट पीट के मारा जा सकता है या हमें पेशी भी भेज के एस के द्वारा जिस तरीके से एस मेरी हत्या करना चाहती है पेशी उस तरीके से जो है हम लोगों की हत्या की जा सकती है अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी कोई जगह नहीं होगी कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा योगी जी ने जैसा कहा कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो नहीं तो ठोक दिए जाओगे और वही सामने होता हुआ दिख रहा है तरीका गलत हो सकता है पर उद्देश्य ठीक है तरीका गलत हो सकता है पर उद्देश्य ठीक है और जो अपराधी हैं उनके साथ निश्चित तौर पर इसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए अरे एक अपराधी अगर जिंदा रहता है तो हमारे यहां की व्यवस्था इस तरीके की है कि वो जमानत पे बाहर आ जाता है और जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला देता है तो ये था हमने आपको बताया मिराज भाई कि किस तरीके से मिराज भाई ने जरायम की दुनिया में प्रवेश किया और किस तरीके से उसने मुन्ना बजरंगी को मारा और फिर अंशु दीक्षित से उसकी दुश्मनी हुई और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि मिराज के और अकीम काला के मारे जाने से मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में कमज़ोर हुआ है और आज मुख्तार अंसारी बांदा जेल में रहम की भीख मांग रहा है अंत उसका भी ऐसा ही होगा क्योंकि कहते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा बुराई को दंड मिलना ही चाहिए और अच्छाई को पुरस्कार मिलना चाहिए इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि लोगों को लगे कि भाई बुरे काम का नतीजा गलत है चाहे बुराई जल्दी पल्लवित हो जाती है जल्दी सफलता मिलती है बुरे लोगों को पर उसका अंत बुरा होता है मैं न्याय टीवी से आपके साथ योगेश शर्मा और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे अंशु दीक्षित और मुकीम काला ने जराइम की दुनिया में प्रवेश किया और कैसे वो अपराधी बने